नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी, इस साल होगी 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली। पटना वासियों के लिए जरूरी खबर, शहर के इन 45 जगहों पर जिला प्रशासन की टीम तैनात। यहां से गुजरने से पहले सावधान रहिए। 15 जुलाई से बंद हो जाएगा मिठापुर बस स्टैंड। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से खुलेंगी सारी बसें। यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 5 जून से शुरू होंगी बिहार की 1.5 दर्जन पैसेंजर ट्रेनें। बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों को दी जाएगी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। बिहार सरकार का फैसला, मोतिहारी में आक्रोशित ग्रामीणों ने रोका ट्रेन का परिचालन, अंडरपास बनाने के विरोध में किया प्रदर्शन। जानिए पूरा मामला। ट्रक से कालाबाजारी के लिए ले जा रहे 391 बोरी सरकारी चावल जब्त, पुलिस ने देर रात की कार्रवाई। पटना एम्स में शुरू हुआ बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल, 3 बच्चों को पड़ा टीका, जानिए क्या रहा परिणाम। डगमारा पनबिजली योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी, 130 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी नौकरी में आरक्षण के तर्ज पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में भी लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। सीएम ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर ऐलान किया कि राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीट आरक्षित की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियंत्रण विश्वविद्यालय और चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रस्तुतीकरण दिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से द बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 और पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज ज्यूरिडिक्शन एवं अन्य प्रोविजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। नए मरीजों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा जारी संभावित तीसरे लहर को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। ऐसे में सुबह के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा साल 2021-22 में 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली का ऐलान किया गया है। मंगल पांडे ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर विस्तृत कार्य योजना बनाई है। व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मानव बल की जरूरत है। इस क्रम में 6,338 विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक, 3,270 आयुष चिकित्सक, 4,671 GNM और 9,233 ANM की नियुक्ति 15 सितंबर 2021 तक कर लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अलग अलग पदों पर लगभग 7,000 नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और सदर अस्पताल से प्राप्त नीकू पीकू और SNCU के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची BMSICL को उपलब्ध कराकर शीघ्र आपूर्ति कराने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, बिहार में कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। 8 जून तक लॉकडाउन को लागू किया गया है। सरकार ने जिला प्रशासन की टीम को पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन को लागू करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद पटना के DM और SSP ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिला और पुलिस प्रशासन ने 50 से अधिक टीमों का गठन किया है, जिनके सिर पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी पटना के 45 इलाकों में अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है। ये टीमें यहां मौजूद रहेंगी। इस टीम में मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर और सिपाही को रखा गया है। इनके अलावा पेट्रोलिंग और छापेमारी के लिए भी अलग से 15 टीमों का गठन किया गया है। पेट्रोलिंग के लिए 7 जबकि छापेमारी के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। ये जो टीमें हैं ये किसी भी वक्त कहीं भी धावा बोल सकती है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने मिठापुर बस स्टैंड को बेरिया स्थित पाटलिपुर बस टर्मिनल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। विभाग ने 15 जुलाई तक मिठापुर बस स्टैंड पूरी तरह बंद करने और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को शुरू करने का निर्देश दिया है। बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव आनंद किशोर ने अधिकारियों को 15 जुलाई से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से सभी बसों का पूर्णतया संचालित करने के निर्देश दिया है। पथ निर्माण विभाग को 15 जुलाई से पहले 0 माइल से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक संपर्क
पथ के चौड़ीकरण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि पटना शहर राजधानी होने के साथ साथ प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र भी है। यहां आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी है। राज्य के विभिन्न जिलों से बस के माध्यम से भारी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। पटना में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का संचालन किया जा रहा है, इसीलिए 15 जुलाई तक मीठापुर बस स्टैंड पूरी तरह बंद करने और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल का शुरू करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना के कहर के बाद बिहार में अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। पूर्व मध्य रेल के CPRO राजेश कुमार ने ट्रेनों के परिचालन को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में 5 जून यानी कि शनिवार से 1.5 दर्जन ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों का परिचालन का ऐलान कर दिया गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार के विभिन्न रेल खंडों में पहले रद्द की जा चुकी 24 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर बहाल किया जा रहा है। इनमें यूपी की 6 और बिहार की 18 ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों को कोरोना महामारी के कारण बंद किया गया था। बिहार सरकार विभिन्न जिलों के बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, जिसके माध्यम से उन्हें धीरे धीरे स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह का प्रशिक्षण देती है। अब बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस और ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। कोरोना काल के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बालिका के अवसर पर पिछले साल वहां रह रही लड़कियों ने विभागीय अधिकारियों के समक्ष कई बातों को रखा था। लड़कियों ने कहा था कि उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करने की इजाज़त दी जाए। बालिका गृह की लड़कियों को बिहार सरकार के दिशा निर्देश पर ई कार्यक्रम से जोड़ा गया है, लेकिन अब उन्हें ड्राइविंग, डांस और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना के बाद लड़कियों को हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर चकिया पिपरा के बीच बुधवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान 09170 पोरबंदर भागलपुर स्पेशल एक्सप्रेस को रोककर स्थानीय लोगों ने अपना विरोध जताया। ग्रामीणों के इस विरोध प्रदर्शन से बुधवार सुबह करीब 2 घंटे के लिए ट्रेन का परिचालन बंद रहा। ग्रामीणों ने बुधवार सुबह रेलवे पटरी पर आकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे करीब 6 से 8 बजे तक रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। इस दौरान मिथिला एक्सप्रेस चकिया में और इंटरसिटी एक्सप्रेस पिपरा में खड़ी रही। वहीं दिल्ली मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस को नरकटियागंज और बेतिया में रोका गया। ट्रेनों का बाद में धीरे धीरे परिचालन शुरू हुआ। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व सोनो पुलिस की कार्रवाई में बीते रविवार की देर रात्रि एक ट्रक द्वारा कालाबाजारी के लिए ले जाई जा रही 391 बोरी सरकारी अनुदानित चावल जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान WB23E5627 नंबर के जिस ट्रक पर चावल ले जाया जा रहा था उसे भी जब्त कर लिया गया है। चूँकि कार्रवाई के वक्त ट्रक लावारिस अवस्था में पेट्रोल पंप के समीप खड़ा था और चालक व खलासी गायब था, लिहाजा मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और न यह पता चल सका कि चावल किसका था। इस संदर्भ में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रशांत कुमार चौधरी ने सोमवार को सोनो थाना में ट्रक के चालक, खलासी व मालिक के विरुद्ध PDS चावल की कालाबाजारी के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमण अब अपनी रफ्तार धीमा कर चुका है। वहीं 18 से 44 उम्र सीमा के लोगों का वैक्सीन लगाने की शुरुआत के बाद अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी टीका का कवच देने की तैयारी तेज हो चुकी है। पटना एम्स में वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए एम्स अस्पताल में ट्रायल शुरू किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मंगलवार से इसकी शुरुआत हुई है। मेडिकल टीम ने बच्चों पर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है। वैक्सीन ट्रायल के लिए लोग स्वेच्छा से अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 3 बच्चों पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया जैसे RT-PCR एंटीबॉडी परीक्षण और सामान्य जांच के बाद वैक्सीन का ट्रायल किया। बता दें कि 100 बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रायल के दौरान वैक्सीन के पहली डोज देने के बाद किसी भी बच्चे में कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा है। वहीं 28 दिन के अंतराल के बाद बच्चों को दूसरी खुराक दी जाएगी। बच्चों को उनकी उम्र के आधार पर ट्रायल के लिए 3 समूहों में बांटा गया है। बच्चों को वैक्सीन ट्रायल के लिए 2 से 5 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के आयु वर्ग में अलग रखा गया है।
सुपौल जिले के डगमारा में कोसी नदी पर 130 मेगावाट बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना के लिए इकरारनामा करने की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को दे दी है। राज्य सरकार ने सुपौल जिला में कोसी नदी पर 130 मेगावाट का डगमारा जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण केंद्र सरकार के NHPC के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और NHPC के बीच 40 वर्ष का इकरारनामा किया जाएगा। इस परियोजना पर 5 वर्ष के दौरान 700 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके अनुसार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।